हाय आई एम सौम्या एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो हिंदी में होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक हिंदी किताब का रिव्यू करने जा रही हूँ। ये किताब है चित्रलेखा, जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा और ये किताब हिंदी साहित्य की एक बहुत प्रसिद्ध किताब है। चित्रलेखा मेरे पास काफी समय से है पर मैं किसी न किसी कारण से इसे पढ़ नहीं पा रही थी, बट इस बार मैंने सोचा कि नहीं, अब देरी नहीं करनी चाहिए। तो फरवरी में मैंने चित्रलेखा पढ़ ली और इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ इसी बुक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्रलेखा की कहानी हमें ले जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के पाटलिपुत्र में। कहानी शुरू होती है जब महाप्रभु रत्नांबर का शिष्य श्वेतांग उनसे पूछता है कि पाप क्या है, इसका निवास कहाँ है। महाप्रभु रत्नांबर यह उचित समझते हैं कि उनके शिष्य इस प्रश्न का उत्तर अपने जीवन के अनुभवों से जाने, इसलिए महाप्रभु रत्नांबर अपने पहले शिष्य श्वेतांग को बीजगुप्त के पास भेजते हैं जो कि एक सामंत है, और दूसरे शिष्य विशाल देव को कुमारगिरी के पास भेजते हैं जो कि एक योगी है। महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार श्वेतांग और विशाल देव बीजगुप्त और कुमारगिरी के साथ रहने लगते हैं। इसी बीच हमारा परिचय चित्रलेखा से होता है जो कि पाटलिपुत्र की प्रभावशाली और सुंदर राज नर्तकी है, और इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। इस उपन्यास में लेखक ने विभिन्न पात्रों के माध्यम से पाप और पुण्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है। वैसे तो ये कहानी नर्तकी चित्रलेखा के इर्द गिर्द ही घूमती है, लेकिन बीजगुप्त, कुमारगिरी, श्वेतांग और यशोधरा के पात्रों को भी भली भांति विकसित किया गया है। कहानी की बेसिक टोन फिलोसॉफिकल है, साथ ही साथ पात्रों की आपसी बातचीत और तर्क वितर्क के माध्यम से भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के पक्ष और विपक्ष में जो व्याख्या की गई है वो बहुत सुंदर है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके कारण 200 पेज की किताब कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। इस किताब की भाषा को मैं सरल तो नहीं बोलूंगी, लेकिन भाषा क्योंकि काव्यात्मक है और सुंदर है तो पढ़ने में मजा आता है। जीवन की अलग अलग परिस्थितियां किस प्रकार मनुष्य की सोच और व्यवहार को प्रभावित करती हैं, इसका सुंदर चित्रण दिया गया है। कहानी की तेज गति और रोचक घटनाएं रीडर को शुरू से आखिर तक बांधे रखती हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है और सभी पात्र खुलकर सामने आते जाते हैं, पाठक को यह महसूस हो जाता है कि हर कैरेक्टर में कुछ ना कुछ कमी है जो कि वास्तव में स्वाभाविक भी है, मगर इससे पाठक को यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है और कौन गलत। कहानी पढ़ते समय एक बात जो मुझे अखरी वो यह थी कि औरतों से संबंधित इसमें कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो एक बहुत रूढ़िवादी मानसिकता दिखाती हैं, पर फिर मैंने ये सोचा कि जिस समय में ये कहानी बेस्ड है उस समय में शायद ऐसी ही सोच रही होगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस कहानी में मेरा पसंदीदा कैरेक्टर बीजगुप्त का था। अब मैं उसका कारण आपको नहीं बता सकती क्योंकि अगर मैंने बताया तो वो स्पॉइलर हो जाएगा। मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप किताब खुद पढ़ें, आपको समझ आएगा शायद कि मुझे बीजगुप्त का पात्र सबसे ज्यादा क्यों पसंद आया। आपको शायद कोई और पात्र पसंद आए पर मुझे तो बीजगुप्त ही अच्छा लगा सबसे ज्यादा। ये किताब मुझे अच्छी लगी, हालांकि इसका अंत मुझे उतना प्रभावशाली नहीं लगा जितना मैंने सोचा था कि मुझे लगेगा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो ये किताब एक पेज टर्नर ही कहलाई जाएगी। अगर ये किताब आपने पढ़ी है तो अपने विचार इस किताब के ऊपर जरूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, और अगर आप हिंदी किताबें पढ़ने के शौकीन हैं लेकिन फिर भी आपने ये किताब नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बोलूंगी कि जरूर पढ़िए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो ये था मेरा चित्रलेखा का रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। दैट वॉज इट। इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी ऑन माई सोशल मीडिया द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।